हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे पेसमेकर्स के बारे में, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट एक मसल पंप होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। हार्ट में दो अपर चैम्बर्स होते हैं जिसे हम एट्रियम कहते हैं और दो लोअर चैम्बर्स होते हैं जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। नॉर्मली इन सारी चैम्बर्स के बीच कॉन्ट्रेक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो काम करता है, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसमें जो सबसे मेन एरिया होता है जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चालू होती है उसे कहते हैं हम नेचुरल पेसमेकर या एसए नोड। यहाँ से इम्पल्स निकल के सेंट्रल पॉइंट जो कि एवी जंक्शन होता है उसको क्रॉस करके नीचे के चैम्बर्स में जाती है और अपर एंड लोअर चैम्बर्स के कॉन्ट्रेक्शन को कोऑर्डिनेट करवाती है। किसी कारण से अगर यहाँ पे इम्पल्स नहीं बन रही है या फिर यहाँ पे बनने वाली इम्पल्स नीचे नहीं जा पा रही है, ऐसे कंडीशन में हार्ट बीट स्लो हो जाती है और पेशेंट को हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें कि पेशेंट को थकान लग सकती है, चक्कर आ सकते हैं, अचानक से बेहोश हो सकता है या फिर सांस फूल सकती है। ऐसे केसेस में जब हार्ट ब्लॉक कंफर्म हो जाता है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए पेसमेकर लगाया जाता है जो कि आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है। पेसमेकर्स या आर्टिफिशियल पेसमेकर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर बैटरी और जनरेटर होता है। वो किसी तरह से वायर के माध्यम से या डायरेक्टली आपके हार्ट में कनेक्ट कर दिए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो इनके अंदर जनरेट होती है वो हार्ट में पहुंचती है और हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करती है। ये कॉन्ट्रेक्शन जो प्रोड्यूस होता है इससे आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। जो रेट में आपके हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन करने की ज़रूरत है वो मदद इन पेसमेकर्स के थ्रू मिलती है। पेसमेकर्स या तो लीडलेस हो सकते हैं या कन्वेंशनल नॉर्मल पेसमेकर्स हो सकते हैं। जो कन्वेंशनल पेसमेकर्स होते हैं उसमें आपके कॉलर बोन के नीचे एक बैटरी या जनरेटर बॉक्स इम्प्लांट किया जाता है। उसमें से वायर्स आपके नस के माध्यम से होते हुए हार्ट में जाते हैं और हार्ट के अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर में अटैच कर दिए जाते हैं स्क्रू या फिर टाइन्स के थ्रू। यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली इम्पल्स आपके हार्ट में पहुंचती है और आपके हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करती है। दूसरे जो पेसमेकर्स होते हैं वो है लीडलेस पेसमेकर्स। ये अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, बहुत ही छोटे कैप्सूल साइज के, आपके फिंगर से भी छोटे ये डिवाइसेस होते हैं। इसके अंदर ही जनरेटर बॉक्स, बैटरी रहते हैं और ये जो टाइन्स है इसके थ्रू ये आपके हार्ट मसल्स में अटैच हो जाते हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपके हार्ट में इम्पल्स ट्रांसफर करके आपके हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं। लीडलेस पेसमेकर्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इसमें क्योंकि वायर नहीं होता तो जो वायर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वायर टूट जाना या वायर निकल जाना या वायर रिलेटेड वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ये प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, क्योंकि इसमें एक सर्जरी नहीं लगती है जो कि नॉर्मली कन्वेंशनल पेसमेकर्स में लगती है, जिसमें हम सर्जरी करके अपने आपके कॉलर बोन के नीचे मशीन बैठाते हैं, तो वो जो थोड़े दिन का पेन और डिस्कम्फर्ट रहता है वो इसमें नहीं होता है। तीसरा, क्योंकि ये लीडलेस है तो नॉर्मली हम जब पेशेंट को लेफ्ट साइड या राइट साइड में जब पेसमेकर डालते हैं तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि उस तरफ का हाथ एटलीस्ट एक दो महीने बहुत ओवर यूज ना करे, उस करवट में ना सोए, उस हाथ को ज़्यादा उठाए नहीं, उससे भारी सामान ना उठाए। ये सब जो लिमिटेशंस होती हैं ये लीडलेस पेसमेकर्स में नहीं होती हैं, जिसके कारण मोबिलिटी बेटर रहती है पेशेंट की। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे जो लीडलेस पेसमेकर्स होते हैं उनकी पेसिंग कैपेसिटीज लिमिटेड होती हैं, क्योंकि नॉर्मली कन्वेंशनल पेसमेकर आपके दोनों चैम्बर अपर एंड लोअर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, बट लीडलेस पेसमेकर एक सिंगल चैम्बर पेसिंग देता है। दूसरा, लीडलेस पेसमेकर किसी कारण से अगर काम नहीं कर रहा या ख़राब हो रहा है तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफ़ी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल ही जैसा होता है। तीसरा, लीडलेस पेसमेकर्स छोटे होते हैं तो उनकी बैटरी लाइफ भी थोड़ी कम होती है। कन्वेंशनल पेसमेकर्स की बैटरी लाइफ 12 to 15 years होती है, वहीं लीडलेस पेसमेकर्स की बैटरी लाइफ 7 to 12 years होती है। एक और चीज़ होती है जो डिसएडवांटेज तो नहीं बट क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो लीडलेस पेसमेकर्स यूजुअली कॉस्टली होते हैं। कन्वेंशनल पेसमेकर्स 1.5 टू 2.5 लाख तक आते हैं, वहीं लीडलेस पेसमेकर्स 8 टू 9 लाख तक आते हैं। इस अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पेसमेकर आपको हॉस्पिटल के चार्जेस, डॉक्टर्स चार्जेस, प्रोसीजर चार्जेस, मेडिसिन, इनका कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है। ये एक रियल लाइफ केस है, जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे एक जनरेटर बॉक्स है जो कि कॉलर बोन के नीचे है, इससे वायर निकल के आपके हार्ट में जा रही है और अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर में अटैच्ड है। ये कन्वेंशनल पेसमेकर होता है। वहीं लीडलेस पेसमेकर जो रिसेंटली अभी हम लोगों ने डाला था, तो आप देखेंगे कि एक ट्यूब के थ्रू एक कैप्सूल साइज पेसमेकर आपके हार्ट में ले जाया जा रहा है
उसकी पोजीशन कंफर्म होने के बाद उसको रिलीज करके वहां छोड़ दिया जाता है। इस तरह से लीडलेस पेसमेकर इम्प्लांट होता है। तो जैसे कि हमने आज डिस्कस किया पेसमेकर्स क्या होते हैं, हार्ट ब्लॉक के सिम्टम्स क्या होते हैं और हार्ट ब्लॉक क्यों होता है, उस तरह से और भी हम अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको लगता है किसी को इसकी ज़रूरत हो सकती है तो इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड कोई भी सलाह या परामर्श के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।